हेलो दोस्तों, तो जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जो उनके लिए बहुत फायदा होगा, सीएनसी वालों लोग के लिए। अभी जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग सोच रहे होंगे, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे होंगे आजकल, वो लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे घुसे कहाँ पे निकले ये जानने के लिए इधर उधर से टिप्स लेने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जो आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग खुद घुस सकते हैं, खुद निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा। चलो ओके, सो लेट स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एनएससी इंडिया का वेबसाइट में आ जाएंगे, nscindia.com। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देगा कि ऊपर में एनएससी का एक ओल्ड वेबसाइट है, आप लोग को इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएंगे इस वेबसाइट में। तो हम लोग सीएनसी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या ध्यान में रखें, सबसे पहला चीज, भारत में जो सबसे बड़ा 50 निफ्टी 50 का कंपनी है, जिसका मार्केट वैल्यू सब कुछ बहुत अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा है, सीएनसी के लिए हम लोग वही स्टॉक्स हम लोग चूज करेंगे। ये चीज सबसे पहले हम लोग का दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आने का बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइव मार्केट में जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके हम लोग इंडेक्स में क्लिक करेंगे। तो इंडेक्स में क्लिक करने का बाद हम लोग का ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का निफ्टी 50 दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे निफ्टी 50 का कौन सा कंपनी है ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कौन सा कंपनी, जितना भी कंपनी है निफ्टी 50 में, आप ये चीज ध्यान में रखिए कि ये बहुत ही अच्छा कंपनी है, सबका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा है, इनका वॉल्यूम बहुत अच्छा रहता है मार्केट में, इनका जो वैल्यू रहता है वॉल्यूम इनटू प्राइस ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इन स्टॉक्स में लॉस होने का चांस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ गुने चीन 10 गो मैं निफ्टी 50 का स्टॉक ले चुका हूं, जो कि मैं ऑलरेडी यहां पे मेरा काइट में डाल चुका हूं, मेरा ऑब्जर्वर लिस्ट में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग को कब स्टॉक खरीदना चाहिए, कब हम लोग को बेचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये टाटा स्टील का खोल के रखे हैं, अभी खोल देते हैं, ये टाटा स्टील खुल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग स्टडीज में जाएंगे, स्टडीज में जाके हम लोग तीन चीज लगाएंगे, तीन मूविंग एवरेज। एक रहेगा मूविंग एवरेज 9, दैट इज एक्सपोनेंशियल, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एकदम बहुत सिंपल, ये तीन ऑलरेडी मूविंग एवरेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये तीन हम लोग लगा देंगे, तीन अलग अलग कलर कर देते हैं। अब एकदम बहुत सिंपल चीज, जिस दिन हम लोग का 9 मूविंग एवरेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डे चार्ट कर देंगे, याद ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का हो गया लगभग, कौन सा तारीख है ये, जिस दिन क्रॉस कर रहा है, देखिए 9 मूविंग एवरेज जिस दिन 55 मूविंग एवरेज को 20 तारीख को क्रॉस किया, तो हम लोग 21 तारीख को देखेंगे। 21 तारीख को अगर ये ऊपर रहा और इसका 9 मूविंग एवरेज का ग्राफ नीचे की तरफ नहीं गया तो हम लोग इसको खरीद लेंगे उसके अगले दिन। अब जब तक 9 मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम लोग इसको बेचेंगे नहीं, इसको हम लोग रख ही देंगे। अभी आप लोग को लगेगा, बहुत जन का क्या होता है, हम लोग जब इन्वेस्ट कर लेते हैं कहीं पे, हम लोग सोचिए घुसे, हम लोग आज सोचिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे खरीदे एक दिन 499, अभी हम लोग देख रहे हैं अचानक से कभी ये इधर 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 करे गिर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का हो गया आपका जनवरी का अराउंड 21 तारीख से, हम लोग जब फरवरी तक जा रहे हैं ये नीचे गिर रहा है, तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, हम लोग पूछने लगते हैं कि हम लोग बेच दें, कि हम लोग बेच दें, हम लोग टिप्स के लिए खोजने लगते हैं। बहुत आदमी को पता चलता है कि हाँ बेच दो बेच दो बेच दो, फिर कुछ दिन बाद वो ऊपर चलने लगता है, फिर हम लोग को खराब लगता है कि अरे हम लोग बेच दिए। नहीं, हम लोग खुद का कॉल खुद लेंगे, जिस दिन 9 मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज को कट करेगा, हम लोग उसके अगले दिन देखेंगे कि 9 मूविंग एवरेज का ग्राफ नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ, अगर वो नीचे की तरफ है हम लोग बेच देंगे, फिर तब तक हम लोग उसको नहीं खरीदेंगे जब तक वो फिर से कट करके ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो टाटा स्टील अभी इसमें कोई बाई नहीं है, जिन लोग ने बाई करके रखा है इट इज फॉर होल्ड, जो पहले से खरीद के रखा है बहुत दिन से ये होल्ड की तरफ है, जब तक 9 मूविंग एवरेज 255 मूविंग एवरेज को कट नहीं करता तब तक हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं टाटा मोटर्स में। देखिए टाटा मोटर्स में
हम लोग का 9 मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज को कट किया था 93.57। उसके बाद देखिए प्राइस बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन 9 मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज को कभी कट करके नीचे नहीं गया। तो जो लोग ये फंडा में रहेगा कि हम लोग इसको जब तक नीचे नहीं कट करता हम लोग इसको रख देंगे, आप देखिए आज के दिन में वो अभी तक कट नहीं किया, आज शायद कट किया था, लेकिन यही मैं बात बोल रहा था कि कट करने का एक दिन बाद हम लोग वेट करेंगे कि उसका ग्राफ देखेंगे कि वो नीचे की तरफ है कि नहीं। अगर फिर से वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम लोग होल्ड कर देंगे, एक दिन तो वेट करना पड़ेगा कट करने के बाद। तो आज के दिन में देखिए ये 314 रुपया हो गया है 93 रुपीज से, लगभग 3 गुना से ज्यादा हिंदाल्को में पहुंच जाते हैं। हिंदाल्को में भी देखिए आप सिमिलरली आपका कट किया यहां पे, कहां पे, यहां पे कट किया। कट करने का बाद ये जा ही रहा है, जब तक नहीं कट करेगा नीचे हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे। दिस इज मतलब बहुत ही अच्छा चीज है निफ्टी 50 का, जितना भी कंपनी है सबका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। एकदम ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब एकदम अचानक से ऊपर एकदम अचानक से नीचे ऐसा नहीं होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेंड में जाता है, बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए निफ्टी 50 कंपनी में CMC में जाना बहुत सेफ होता है। आप सिमिलरली SBI देख लीजिए। अभी देखिए SBI का हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट मिला था 194.13 में बाई करने का। तो यहाँ पे जो लोग बाई किया होगा वो लोग सेल कहाँ पे किया होगा, यहाँ पे 344, क्योंकि यहाँ पे कट किया तो उसका अगले दिन देखेंगे। तो हम लोग 342, तो 342 में सेल किया, 193 में बाई करके ऑलमोस्ट 1.5 टाइम से ज्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा। अभी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि देखिए यहाँ पे फिर से वो जाके ऊपर जाके फिर से कट करके ऊपर गया, तो हम लोग एक दिन वेट किया, तो उसके बाद अगर देख रहे हैं तो अभी मेरे हिसाब से ये बाय करने के लिए अच्छा है, क्योंकि 9 मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर गया, उसका एक दिन बाद भी उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो ये बाय के लिए है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए, अभी कर सकते हैं इसको हम लोग। अभी हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का ग्राफ, वन डे का चार्ट। अभी देखिए ये थोड़ा सा वोलेटाइल है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाता है नीचे जाता है, जैसे हम लोग को एक बाई सिग्नल मिला था यहाँ पे, लेकिन उसका एक दिन बाद ही दो दिन बाद ही फिर से वो नीचे आ गया उस दिन बाद। अभी फिर से एक बाई सिग्नल मिला था यहाँ पे अराउंड 11 फरवरी को मिला था, तो 11 फरवरी को बाई मिलने के बाद ये आपका यहाँ पे आया था सेल का सिग्नल एक हम लोग को 26 मार्च को जो कि 2050। तो हम लोग अगर बाई करते हैं इसको लगभग 1975 तो यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट होता। अभी तक ये बाई सिग्नल दिया नहीं है, जब कट करेगा तभी हम लोग बाई करेंगे। तो सारे स्टॉक्स जितना भी है जैसे डॉक्टर रेड्डी, JSW स्टील, UPL, बजाज फाइनेंस, HDFC इन्फी, HDFC बैंक, LT, सब का आप देखेंगे ग्राफ ऑलमोस्ट ये चीज काम करेगा 85-90% में। आप अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी इधर उधर से टिप का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद का कॉल खुद ले सकेंगे, आप बहुत शांति में रहेंगे, बिना टेंशन फ्री रहेंगे, एकदम कोई भी टेंशन नहीं रहेगा आपके अंदर कि कब इसको बाय करे और खरीद ले और सेल कर दे, क्या करे, किसी से पूछे, किसी से जरूरत नहीं। खुद का कॉन्फिडेंस खुद के अंदर, खुद पहले हम लोग एडुकेट हो जाएंगे तो हम लोग को किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद का कॉल खुद ले सकेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मन के अंदर पूरा एकदम ठान के रखिए कि अगर 9 मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज को कट करता है, और एक चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 9 मूविंग एवरेज जब कट करता है तो 9 के बाद 21 और 55 ये मेरा रहना चाहिए एकदम ऐसा स्टेप में, तभी मेरा ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, मतलब ज्यादा ऊपर जा सकता है। और ये भी देख लीजिएगा कि जब 9 कट किया 55 को, उसके बाद कट करने के बाद उसका डायरेक्शन अगर नीचे ऊपर से नीचे कट किया तो उसका एक दिन वेट करने के बाद उसका डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो हम लोग सेल कर देंगे, और अगर कट करके ऊपर जा रहा है तो उसके एक दिन बाद अगर उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तभी हम लोग उसको बाय करेंगे। तो दोस्तों ये चीज आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, देखिए एक महीना आपको लगता है कि ये सही है तो आप लोग लगाइए। इन्वेस्टमेंट करने का पहले अवश्य अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि ये स्टॉक कैसा है, उसका बैकअप में जाइए, उसका वेबसाइट में जाइए, उसका फाइनेंशियल देखिए कैसा है, फिर इन्वेस्ट कीजिए। CNC लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जो लोग बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों इसको अप्लाई कीजिए और टेंशन फ्री रहिए।
ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।